आगरा दरअसल उत्तर प्रदेश का कोरोना का हब बना हुआ है। 777 मामले हैं, मगर अब इस संक्रमण ने आगरा सेंट्रल जेल को अपना निशाना बनाया है। आगरा सेंट्रल जेल में इस वक्त 10 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और इस सेंट्रल जेल को अब हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया गया है। जाहिर तौर पर ऐसे में सभी के आगरा जेल मैनेजमेंट हो या फिर स्वास्थ्य महकमा, पुलिस प्रशासन, सबके हाथ पैर खोले हुए हैं। तो आगरा का ये इलाका, आगरा की ये सेंट्रल जेल अब इस वक्त हॉटस्पॉट में तब्दील कर दी गई है। कोरोना ने इस बार दरअसल आगरा के सेंट्रल जेल को अपना निशाना बनाया हुआ है, जहां पर 10 कैदी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। आरआईएन टीवी के संवाददाता शिव चौहान ने जायजा लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं आगरा की सेंट्रल जेल के बाहर। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी सेंट्रल जेल में 10 कैदी अभी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं और उसके बाद सभी अधिकारी बाहर खड़े हुए हैं, अंदर सैनिटाइज का काम चल रहा है। 27 कैदियों की यहां जांच कराई गई थी, जिसमें से 10 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं, जो सभी कैदी हैं। पूर्व में एक कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित मिला था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी और उसके बाद इस जेल के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा और सभी लोगों के बारी बारी से जाँच कराई। 27 लोगों की यहाँ कोरोना वायरस की जाँच हुई, कोविड-19 की जांच हुई, जिसमें से कल 10 कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर जेल के अंदर पिछले एक माह से सभी का मिलना जुलना बंद है, कोई अंदर नहीं जा रहा है, कोई बाहर नहीं आ रहा है, तो फिर ये कोरोना वायरस अंदर कैसे पहुंचा, इसी बात की पता लगाने में जेल प्रशासन लगा हुआ है। हालांकि पहले आगरा प्रशासन के लिए आगरा का पारस अस्पताल, फिर हेल्थ वर्कर, जमाती और अब आगरा का सेंट्रल जेल एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। अब ये वायरस आगे और न फैले, इसके लिए एहतियाती तौर पर अंदर बैरकों को, स्टाफ के रूमों को, घरों को, सबको सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। अपने सहयोगी मानविंद्र चौहान के साथ शिव चौहान, R90 आगरा, उत्तर प्रदेश। देखिए, जैसा आप लोग अवगत हैं, एक बंदी को 3 तारीख को यहां से SN मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था, तबीयत खराब होने की वजह से, जिसकी बाद में डेथ हो गई थी, ब्रेन स्ट्रोक की उसको प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब सैंपलिंग कराई गई 27 लोगों की, जिसमें से 13 हमारे स्टाफ थे और 14 बंदी थे, तो उस सैंपलिंग के रिजल्ट में फाइनली जो कल आउटकम आया है, 10 बंदी जो हैं उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, 4 बंदी उसमें से नेगेटिव हैं और जो हमारे 13 स्टाफ के लोग थे वो भी सभी नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है।